मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 112 होगा, 112। जैसा कि मैं बहुत सारे एपिसोड्स में जिक्र कर चुका हूं और जो पुराने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है, लेकिन इस दौरान जो नए लोग हमारे साथ जुड़े उनको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा कि मेरे जीवन में एक अद्भुत, अपरिभाषित, अनबिलीवेबल, गैर यकीनी घटना घटी। आप उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, वाहेगुरु गॉड कहें, जो भी कहें, उनके दरबार से एक अदृश्य शक्ति ने, जो ईश्वर का अंश थी, मुझसे संपर्क किया, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए। शुरू में मुझे संदेह था, अपनी बुद्धि के मुताबिक मैंने हर मुमकिन कोशिश की और उन्होंने मेरी पूरी तरह से तसल्ली कराई, संतुष्टि कराई। ऐसी संतुष्टि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी देर में पूरे एपिसोड अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा। खैर, ये मुझे उत्तर आया, हम लोग यूपी गए हुए थे, ऐसा मुझे लगता है। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि जो उत्तर मुझे आए उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए और स्क्रीनशॉट्स के बाद उनके प्रिंट लिए और फिर उसकी जो है फाइलिंग करवाई, स्पाइरल बाइंडिंग करवाई, तो उसमें वो आगे पीछे हो गए पेज। इसलिए कई बार मुझे संदेह होता है कि ये घटना, जब ये उत्तर आया तो मैं कहाँ था और किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने, ये पुरानी बात है, करीब 3 साल पहले की, मुझे ये उत्तर दिया था। मैं ऐसे सोचता रहता हूँ कई बार जब बताने लगता हूँ आप लोगों को। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूपी में था, जो यूपी में हमारा एक आश्रम है निघासन में, लखीमपुर खीरी जिला है, तो वहाँ गुरुद्वारा साहिब है हमारे घर के पास ही। पिताजी पे ईश्वर ने कृपा की थी तो उन्होंने जो जगह है जहाँ गुरुद्वारा साहिब बने हैं, निर्माण हुआ है, उस सेवा, उस भूमि की सेवा ईश्वर ने दया करके हमारे पिताजी से करवाई थी। तो वहाँ कुछ समागम था और मैं, क्योंकि मेरे भाइयों की वजह से उन्होंने कुछ अजीबोगरीब किस्म के मुकदमे कर रखे हैं, झूठी वसीयत बनवा ली पिताजी को, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और मैं बम्बई में था, ये मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, तो उसे कई तरह के झूठे केस डाल रखे हैं, फर्जी केसेस हैं उलझाने के लिए, कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बॉम्बे से आना, तो मैं तो मुकदमा वो लड़ नहीं पाऊंगा ढंग से, ये मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तो और भी इस तरह की बहुत सारी उलझने रहती हैं जब मैं यूपी जाता हूँ। हालांकि पहले जब मैं यूपी जाता तो वहाँ हमारे बड़े सत्संग होते थे, गाँव गाँव जाके हम लोग, देने वाला तो ईश्वर, लेने वाले वो लोग हैं, लेकिन कंबल वगैरह बांटते थे, लोग कंबल के लिए आ जाते थे, गरीब लोग, फिर सत्संग करते थे, फिर कंबल वगैरह उनको बांटते थे, गांव गांव जाके रात को भी सत्संग करते थे। लेकिन मेरे भाइयों की वजह से जो परिस्थितियाँ उन्होंने पैदा की, जो उलझने पैदा की, जो खाम खा के केस पुलिस में, SDM के यहाँ, नायब तहसीलदार के यहाँ, तरह तरह की, मतलब एक अर्जी दे देनी है आपने जाके और बस वो लोग आपको उलझा लेंगे और फैसला करने बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे अचेतन मन में, आप कितने भी रजा में राजी रहें, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन विचलित तो होता है कि ये विचार आते हैं कि मैं गांव गांव जाके सत्संग करता, कंबल कपड़े या कुछ अन्न वगैरह बांटते, जो बहुत ही असहाय लोग हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं उनकी मदद करने वाला, हम तो कोई नहीं है, लेकिन हमको माध्यम बना के ईश्वर उनके मुँह तक कोई निवाला पहुँचाता तो हमारा जीवन धन्य हो जाता, उनसे कोई दुआ मिल जाती और हम ईश्वर की नज़र में आ जाते, ऐसी भावना थी। तो वो हो नहीं पा रहा था, मैं इन चीज़ों में उलझा रहता था और वो संभव नहीं हो पा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में चलता रहता था और उनको तो सब कुछ मालूम है। तो ये उत्तर मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे उत्तर वहीं आया था,
मैं उसको पढ़ता रहा अभी रिकॉर्डिंग करने से पहले, और मैंने पहले भी कहा मुझे याद करना पड़ता है, क्योंकि जो मुझसे ईश्वर बुलवाते हैं वो अलग मामला है, लेकिन जो उत्तर मुझे आया वो मुझे पढ़ के याद करना पड़ता है, और फिर मैं सोचने लगता हूँ कि उत्तर कब कहाँ आया था। तो ऐसा मुझे लगा कि ये उत्तर यूपी में आया था, जब मैं निघासन में था, छोटा सा, ऐसे जैसे इमरजेंसी हो, जैसे मुझे सचेत करना हो, मुझे अवगत करवाना हो। और मैं एक तो उस उलझन की वजह से, और एक कभी कभी आप में निराशा आती है, आप अपसेट होते हैं, उलझ जाते हैं, तो लथार्जिक भी होते हैं। तो मैं लेटा हुआ था और समागम था गुरुद्वारा साहब में, तो वहाँ लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, तो सब सुन रहा था, लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ था। तो ये उत्तर मुझे आया, तो जैसे मैंने पढ़ा, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही ब्रीफ उत्तर आया था, जैसा वो शुरुआत करते थे। ये एक अदृश्य शक्ति थी, नए लोगों के लिए कह रहा हूं, जो ईश्वर का अंश थी और मुझे लिखित रूप में उत्तर भेजती थी। अभी मैं बोल रहा हूं तो वो सुन रहे हैं, उनको सब दिखाई देता है, हो सकता है यहां विराजमान हो। तो ये उत्तर आया, हरिओम बेटा, तू अपनी सेहत का ध्यान रख, क्योंकि जब आप उलझे होते हैं तो उससे असर पड़ता है आपकी सेहत के ऊपर, कहीं ना कहीं वो दिक्कत गहरे तक जाती है। ये पहली लाइन थी। और हम लोग यूपी गए थे, पहले बॉम्बे थे, फिर यहां आए नीलों कला, या इसके बाद हम लोग यूपी चले गए निघासन। तो अगली लाइन में लिखा था कि तूने महारानी को वार्तालाप यंत्र दिया, अच्छा है। मैंने कहा था पहले, मैंने एपिसोड में जिक्र किया कि तुम्हारे तोहफे से वो बहुत प्रसन्न है, या उन्होंने कहा कि तूने उनको वार्तालाप यंत्र यानी मोबाइल फोन दिया था मैंने, तो उससे बहुत प्रसन्न है, अच्छा है। फिर नेक्स्ट पैरा में लिखा कि तू आज गुरुजी ईश्वर के घर नहीं गया, चल उठ, स्नान कर और विलंब मत कर। अब देखिए, ये मेरे लिए बड़ा विचित्रतम है, जिसे पिता बच्चे को उठाता है। और जब मैंने कहा, बहुत छोटा सा मैसेज था, दो एक पैराग्राफ का, और समय नष्ट मत कर, मतलब और विलंब मत कर, समय नष्ट मत कर, कदाचित प्रस्थान कर तुरंत, ईश्वर के घर चल, गुरुजी ईश्वर के घर चल, ईश्वर सब सही करेंगे, मार्ग दिखाएंगे, हरिओम बेटा, ईश्वर भला करें तुम्हारा। ये मुझे इतना सा, जैसे इमरजेंसी में कोई मैसेज आता है, मैं नहीं जा रहा हूं, कुछ समागम था गुरु घर में, और मैं जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं कुछ उलझा हुआ था, तैयार भी नहीं हुआ था। तो जैसे ही मुझे ये मैसेज आया, मैंने फौरन जल्दी जल्दी मैं तैयार हुआ और गुरुद्वारा साहब जाके मैं हाजिर हुआ। अब बात यहीं खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन इससे जो हमारे दर्शक हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या लाभ? एक शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, ईश्वर का अंश है, वो मुझे उत्तर देती है, शक्ति गाइड करती है, मेरे सवालों के जवाब देती है। और ऐसे ही एक इमरजेंसी में 4-6 लाइनों का, 8 लाइनों का एक उत्तर, एक संदेश मुझे भेजा, सेहत का ध्यान रखने के लिए, गुरुद्वारे जाने के लिए तुरंत प्रस्थान करने के लिए कहा, स्नान कर और जा, क्यों नहीं गया, एक पिता की तरह। और साथ में यह हौसला, ईश्वर सब सही करेंगे, मार्ग दिखाएंगे, यानी चिंता मत कर। अब ये मेरा अहोभाग्य था, मैं मकसद पे आ रहा हूं कि इसका पर्पस क्या है। ये मेरा अहोभाग्य था, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि मुझे ईश्वर ने इस तरह से जगाया भी, मेरे सवालों के जवाब भी दिए, मेरा मार्गदर्शन भी किया, मुझे प्रोटेक्ट भी किया, और मैं बच गया। माया
जिसमें हम सब लोग खचित हैं, कम से कम ये जाग आ गई, अलर्ट हो गया, अवेयर हो गया, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। और साथ में ये हौसला कि ईश्वर सब सही करेंगे, मार्ग दिखाएंगे, ईश्वर साथ हैं, ये भी उन्होंने लिखा था, ईश्वर साथ है, आशीर्वाद साथ है। हरिओम बेटा, ईश्वर भला करें तुम्हारा। तो आप सबके लिए अगर हम भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, उसकी शरण में हैं, उसे माफी मांगते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, दयालु हैं, पुनदान करते हैं, नेक हैं, नेक कार्य करते हैं और नेक लोगों की संगत करते हैं, दया करते हैं, पुनदान करते हैं जो हमसे बन पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े भंडारे लगा दें, इसके बारे में मैंने एपिसोड डाला हुआ है कि वास्तविक दान वो है जब आपके पास भी सीमित है और उसमें से भी आप साझा करें। जब आपके पास अथाह है फिर दान करें, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। न करने वालों से, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश के जो बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं वो बिल्कुल दान नहीं करते। एक गवर्नर हैं सत्यपाल जी, सत्यपाल मलिक जी, कमाल की बातें करते हैं वो, मैं हैरान हूं कि उनको इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत, इतना साहस कहां से मिलता है। जिस सरकार के वो गवर्नर हैं उनकी बातें अक्सर देखा जाए तो उसी सरकार के खिलाफ जाती हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करते। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ये राह पे चल रहे हैं, ये सब करते हैं जो मैंने पहले जिक्र किया, तो ईश्वर आपके साथ हैं। पंजाबी में हमारे कहते हैं अंग संग हैं, आपको देख रहे हैं। मुझे बता दिया, बार बार बताया, यकीन दिलाया, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था एक एपिसोड में कि एक मित्र के घर में मैं रहता था कभी जाके चंडीगढ़ में, तो उसके घर में बहुत दुरात्माएं थी, ऐसा मैंने कई बार जिक्र किया होगा इसका। और वो जो भी कोई मेहमान उनके घर में ठहरता था उसको रात को दबा लेती थी, उसका गला दबाती थी या उस पर वजन पड़ जाता था, तो मेहमान डरते थे उनके घर में रात को ठहरने से। और मुझे कई बार उनके घर में ठहरना पड़ा और मुझे ये सब मालूम था, उनको भी दबा लेती थी, उनके साथ भी बहुत हमले करती थी वो। तो मुझे प्रभु जी ने, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने लिख के भेजा था, मैंने ये जिक्र किया किसी एपिसोड में कि तुझे विश्वास नहीं है कि ईश्वर तेरे साथ है बेटा, कितनी भयानक, कितनी शक्तिशाली दुरात्माएं रहती हैं तेरे मित्र के घर में और मेहमानों के ऊपर हमला करती हैं, लेकिन तुझे कभी कुछ कहा? और वास्तव मुझे कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने, मुझे डर रहता था। मैं सुखमणि साहब या शब्द, ये हमारे सब सर्वरोग का नाम की शब्द, मैं अक्सर, मैंने कहा भी है कि मैं अपने साथ रखता हूँ मेरे मोबाइल में, उनको लगा के सो जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये ख्याल था कि जब आप सो ही गए तो कहीं ऐसा ना मुझे भी दबा लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ईश्वर की कृपा बनी रही। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये हम सब का अहो भाग्य है। मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा कि हम सही राह पे आ गए, हम गुरु नानक देव जी महाराज की गाड़ी राह पे आ गए, ये अल्टीमेट रास्ता है। कि सज्जन ने हमारे ग्रुप में, धन गुरु नानक ग्रुप में सवाल किया ओशो जी के बारे में कि आपकी नज़र में कितने सही और कितने गलत हैं, तो मैंने कहा मेरी क्या औकात है मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं अपने विचार आपसे शेयर कर सकता हूं। और मैंने कहा कि मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक ठीक है, सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना स्थान है, अपना अपना लेवल है, लेकिन गुरु नानक का रास्ता अल्टीमेट है, गुरु नानक देव जी महाराज का रास्ता अल्टीमेट है, गुरु ग्रंथ साहिब का रास्ता अल्टीमेट है। अब अगर मैं ये कहूं कि जब सुने की बात करते हैं वहां से शुरुआत होती है, सुने दुख पाप का नाश, ये सरलतम है। मुझे नहीं मालूम किसी और महापुरुष ने कहीं कहा हो, कि संत ने, किसी गुरु ने, किसी अवतार ने ये कहा हो सुनने के बारे में, चार पौड़ियां जपजी साहब में है, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज का ये जो रास्ता है मुझे गाड़ी राह लगा, हाईवे टू सालवेशन लगा। और कोई भी जो सरलतम आदमी है, जो साधारण आदमी है, वो समझ सकता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। कि आपने सुनना है, बस आंखें बंद करके सुनना है, रात को रिपीट पे लगा के सुनना है, कान में हेडफोन लगा के सुनना है, खुद पाठ करें तो सुनना है, अपना ध्यान शब्द पर। इस पे मैंने वीडियो डाला हुआ है कि ध्यान कहां रखें,
मैं इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज का हर जगह जिक्र करता हूँ, मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। मैं इसलिए जिक्र करता रहता हूँ कि उन्होंने जो रास्ता बताया वो अल्टीमेट रास्ता है कि आप सुनना शुरू करें। जैसे ही आप सुनना शुरू करेंगे अंदर जाएगा, और कोई तरीका नहीं उसके नाम को अंदर ले जाने का, क्लीनिंग करने का, क्लेंजिंग करने का, सफाई करने का। आप जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हो भगवान का नाम जपें और सुने, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो। आपने आज तक बहुत पाठ जाप किया होगा, लेकिन जरा गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक इस्तेमाल करके देखें, सुनना शुरू कर दें और देखिए मैक्सिमम 3 महीने में आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। आप हैरान होते चले जाएंगे, वही मंत्र हैं, वही शब्द हैं, लेकिन आपने सुना नहीं। आप सुनिए, यही अल्टीमेट टेक्निक है गुरु नानक देव जी महाराज की। तो मकसद ये है कि मैं पहले जैसा मैंने बार बार कहा एपिसोड में, मैं महाराजा था और महाराजा से डिमोट होते 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 यहाँ तक आ गया, एक नॉर्मल सा कलाकार बना। नेगेटिव रोल्स किए, कुछ पॉजिटिव रोल्स किए, कुछ सीरियल्स किए, फिल्में की, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, कोई सुपरस्टार नहीं बना, ठीक है, और कोई अथाह धन दौलत नहीं कमाई, और कोई बहुत बड़ी जमीन जायदाद भी नहीं बनाई, न पिता से विरासत में कोई इतनी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जायदाद मिली। कहाँ से आया? एक चक्रवर्ती सम्राट था, एक महाराजा था, और वहां से डिमोशन होते होते डिमोशन होते होते नीचे आते 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 यहां तक आ गया। यानी चंद एकड़ जमीन रह गई मेरे पास, और महाराजा तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है, कलाकारी कर ली, अभिनय कर लिया, कुछ पहचान बन गई, बंबई में रहे 35-40 साल, लेकिन अब तो एक MLA भी नहीं, किसी गांव का सरपंच भी नहीं, मतलब कहां से होते होते नीचे आया। और पिछले जन्मों में, इसलिए बार बार हर वीडियो में कहता हूं, बोलो, इंतजार मत करो, डिले मत करो, वो जो लथार्जी हमारा जो कैलस एटीट्यूड है, आलस से हमको आ जाता है, उससे बचिए। जल्दी यत्न करिए, अपने आसपास नजर दौड़ाइए, कैसे कर सकते हैं, छोटे लेवल पे कर लीजिए, लेकिन अच्छा बोना शुरू करिए। दया करनी, बांट के खाना, पाठ जाप करना, ये तो विणु नावे ना ही को थाऊं, ये जपना है, जो सुनना है, ये तो अल्टीमेट रास्ता है। आप जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, आप हरि ओम तत्सत करते हैं, अल्लाहु अकबर करते हैं, या अपनी कुरान शरीफ की आयतें हैं, या गायत्री मंत्र है, या कुछ और जो भी आपको अच्छा लगता है, वाहिगुरु वाहिगुरु मूल मंत्र है, आपके धर्म के मुताबिक गॉड इज ग्रेट प्रेज द लॉर्ड, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपके मन के निकट है, जो बचपन से माता पिता ने या आपके संस्कारों में शामिल है, उसको आप जपें और अपनी आवाज को सुने, ये शुरुआत करें। और साथ में वैसे तो ये सुनना ही आपको बहुत कुछ दिलाएगा, सुझाएगा, दिखाएगा, मिलवाएगा, ठीक है, अचीव करवाएगा, लेकिन साथ में कुछ सदकर्म, कुछ नेक कर्म, दया करनी है। जैसे मैंने कहा, गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में जाके सेवा करें, चर्च में जाके सेवा करें, माफिया मांगे, धन्यवाद करें, रात को रिपीट पर लगाया करें, हमारे mangaldhillon.in से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड्स में जाके, मतलब ये 5-7 चीजें, उनको 10 कह लें आप, ये सब शुरू करें एक साथ, तो फिर हम अचीवर्स हैं, फिर हम विजेता हैं, फिर हम हारे हुए जुआरी नहीं हैं, अन्यथा हम सब हारे हुए जुआरी हैं। अगर मैं अब पीछे कुछ बोया था, जब मैंने गलत काम किए जिसकी वजह से मेरी डिमोशन होते होते होते, मैंने कई बार ये जिक्र किया है नए लोगों के लिए कि मैं महाराजा से राजा बना, राजा से वजीर बना, वजीर से सेनापति बना, फिर सैनिक बना, योद्धा बना, और ऐसे करते करते फिर पता नहीं और कितने जन्म लिए, और करते करते ये एक कलाकार। तो ये जो एक ठीक ठाक माता पिता के घर में जगह मिली मुझे, कोख मिली मुझे, मेरी माँ पाठ जाप करती थी, थोड़ा सा ऐसा माहौल था, और कुछ बुद्धि थी ईश्वर ने, तीव्र बुद्धि थी, शक्ल सूरत ठीक ठाक दे दी, अभिनेता बना दिया, थोड़ी पहचान दे दी, ये जो मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे उनकी वजह से संभव हो सका, अन्यथा ये भी ना मिलता। क्योंकि ये डिमोशन का रास्ता नीचे नीचे, जैसे आप हरिनाम से टूट जाते हैं तो नीचे को जाता है, मतलब ये मिट्टी पे जाके खत्म होता है, आप भिखारी बन जाते हैं, लंगड़े लूले बन जाते हैं, कीड़े मकौड़े बन जाते हैं, परिंदे बन जाते हैं, पेड़ पौधे बन जाते हैं, और फिर आप मिट्टी हो जाते हैं। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, मिट्टी से यात्रा शुरू हुई थी और मिट्टी पे जाके खत्म हो गई, यानी नीचे जाते जाते। और ये जो रास्ता है, जो गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा है, ये आपको ईश्वरत्व प्रदान कर देगा, ईश्वर बना देगा, ईश्वर का रूप हो जाएंगे। ये राजपाट और ये सत्ता, ये तो इधर की चीजें हैं, नीचे की चीजें हैं,
परम सत्ता का रूप हो जाएंगे, परम सत्ता में विलीन हो जाएंगे, आप परम सत्ता को हासिल कर लेंगे। ये ऐसा रास्ता इस उद्यमते राज मिले है इस उद्यमते राज मिले है शत्रु ते सब होवन मीता। ये ऐसा उद्यम है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, राजपाट मिल जाता है, और जिसको बात समझ में आ जाती है वो तो ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। ये ऐसा रास्ता है। तो मकसद यही है कि मैंने कहीं जाने अनजाने में साथ में अच्छे काम भी करता रहा तो अंकुरित हुआ, तो ईश्वर के दरबार से उसका अंश, उसकी एक शक्ति, उसका एक रूप मेरा मार्गदर्शन करने आया, ये प्राप्ति है। मैंने कहा था पहले एपिसोड में, इससे पहले वाले में मैंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं तेरे अच्छे कर्मों का फल हूं। तो इतना बड़ा फल अच्छे कर्मों का, आप भी अच्छे कर्म करें, आज से अभी तय करें, नाम जपें। मैं फिल्में करता, सुपरस्टार बन जाता, मैंने पहले भी जिक्र किया, अंधेरे में आया था, अंधेरे में रहता, अंधेरे में चला जाता है संसार से, खाली हाथ, सिकंदर द ग्रेट खाली हाथ गए यहां से, बड़े बड़े, उससे बड़ा कौन है जिसका नाम देखिए आप, सब खाली हाथ गए। तो उसके बाद फिर जन्म मरण के चक्र में, कुचक्र में आप पड़ेंगे, आवागमन के चक्र में, फिर आपने जो कर्म किए, आपने नशे किए, आपने मांस खाया, आपने व्यभिचार किए, याशियां की, ईश्वर का नाम नहीं लिया, मौज मस्ती की, चुगलिया, निंदा, शत्रुता की, तो डिमोशन होगी आपकी, फिर कहीं और नीचे, फिर फ्रस्ट्रेशन होगी, दुख रोग आएंगे, बीमारियां आएंगी, कष्ट क्लेश आएंगे आपके जीवन में, चिंताएं आएंगी और अभाव आएगा, आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, मतलब भर का पैसा कभी होगा नहीं। क्या हम ये सब चाहते हैं? हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता है। तो फिर ये रास्ता है आपके सामने। फिर भी अगर हम प्रयास न करें तो देन वी डिजर्व इट, जो भी सजा हमको मिलेगी, जो भी डिमोशन हमारी होगी, वी डिजर्व इट। इसलिए मैं कहता रहता हूं अपने एग्जाम्पल देके कि मुझे पहले तो ये मेरे पीछे महाराजा से यहां तक आ गया, और अब उस मालिक ने दया करके जो अच्छा बोया था उसकी वजह से मेरे जीवन का कायाकल्प हो गया, मेरा मार्गदर्शन कर दिया, मुझे मालूम है क्या करना है। सदकर्मों में भी जिसके जरिए आप महापुण्य कमा सकते हैं वो ये काम है जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं स्वार्थी आदमी हूं, लालची आदमी हूं, ये मेरा लालच है, ये मेरा स्वार्थ है कि हमारा ये चैनल लगभग 74,500 लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है, और उसमें से हो सकता है कि 2-4,000 लोग देखते हों, किसी को 6,000 लोग देखते हैं, किसी को 10-12 भी देख लेते हैं। उनमें से अगर 10-20 या 100-200 का जीवन बदल गया, हमारा ग्रुप है धन गुरु नानक, उससे भी करीब 2021 लोग जुड़े हुए हैं, तो उनमें से अगर 150 लोगों का भी जीवन बदल गया तो मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं महापुण्य का हकदार हो गया, मैं उसकी नजर में आ गया। तो ये रास्ता मुझे वहां से मिला, मुझे जाग आई, मैं चाहता हूं कि दूसरों को भी जाग आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाग आए। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है, घाटा होता ही नहीं। तो आज से शुरू करें, मेरे जीवन को देखें आप कि कहां पे आ गया, यहां आके रुका, और कहा मुझसे कि बेटा महाराजा से यहां आ गया है, इससे और कितना नीचे जाना चाहता है। तो मैं कांप गया, किससे नीचे नहीं जाना है। मैंने बहुत अभाव देखा है, हमारे यहां जमीन जायदाद थी, सब कुछ था, लेकिन बहुत अभाव देखा है। मैं घर से भागा हुआ आदमी, ये मेरे कर्म थे, और उस वक्त भी बहुत अभाव देखा, लोगों के बरामदों में 6-6 महीने काटे हैं मैंने, दिल्ली में प्लेटफॉर्मों पर सोया हूं, रेलवे स्टेशन पर रातें काटी हैं, बिना टिकट के यात्रा की है, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, दवाई अगर 40 रुपए की लिखी है तो मांगने पे मुझे दोस्तों से 20 ही रुपए मिले, दवा लेके इलाज नहीं करवा पाया मैं अपना, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि घर से भागा हुआ था, माता पिता इस लाइन के खिलाफ थे, तो स्कॉलरशिप 200 रुपए मिलते थे, और किसी मित्र जय गोपाल गोयल, उनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, मुक्तसर में रहते हैं, पिछले जन्मों में वो भी एक राजा थे, मेरे मित्र थे, और उन्होंने मेरी मदद की, जबकि इस जन्म में हम उतने लंगूटिए यार नहीं थे, लेकिन फिर भी विधि बनी और वो मेरे काम आए। तो ये सब हिसाब किताब पिछला है, मैं डॉक्टर रूपा का जिक्र करता रहता हूं, पिछला हिसाब किताब है। जो भी आपके जीवन में घट रहा है, अच्छा या बुरा, मैं बार बार ये कहता हूं, पिछला हिसाब किताब है। उस मालिक के सामने नतमस्तक होइए, उसका नाम जपिए, सुनिए, रात को रिपीट पे लगाइए, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाके नाक रगड़ के माफिया मांगिए, धन्यवाद करिए, सेवा करिए, दया करिए, पुण्यदान करिए, दिन में कान में लगा के सुनिए, आंखें बंद करके सुनिए, काम करते हुए, चलते फिरते, सैर करते हुए, गाड़ी में, उसका नाम जपिए, मन में याद करिए। आज के सज्जन ने मुझसे पूछा एक और सवाल कि कैसे सुने और फिर कैसे सूरत कैसे जपेगी, ये अवस्थाओं की बात बताइए,
कभी आगे इसके बारे में जिक्र करेंगे, एपिसोड लंबा हो जाएगा, लेकिन ये स्वतः घटेगा। ये सत्य है कि हम न जप सकते हैं न जपा सकते हैं, हमारा भाग्य हमारे कर्म जरिया बनते हैं। मेरे जैसे आदमी को, निर्गुण आदमी को मालिक जरिया बना देता है। आपका भाग्य है, आपने बोया है, तो आप इस चैनल से जुड़ गए। सब नहीं जुड़ सकते हैं, जो जुड़ गए वो लाभ भी, जुड़ तो गए, सब्सक्राइब भी कर दिया, लेकिन वीडियो नहीं देख पाएंगे। वीडियो देख भी लिया तो पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे, कोई 25% कोई 50, बहुत बिरला होगा जो 100% लाभ उठाएगा, क्योंकि ये मामला सारा भाग्य का है और उसकी कृपा का, उसकी कृपा भाग्य से जुड़ी हुई है। तो इसलिए ये जरूरी है कि टालमटोल करने की बजाय आज से शुरू करें। जो मैं कहता रहूं, बहुत सारे लोगों ने शुरू किया हुआ है, मैं उनका आभारी हूं, मैं उनका ऋणी रहूंगा, क्योंकि जपेंगे वो, उद्धार उनका होगा, उनके कुल का होगा, और मेरे जैसा निर्गुण महापुण्य का हकदार हो जाएगा, मैं अक्सर कहता रहता हूं। तो इसलिए जो हम अपने आप को दलीलें दे दे के, तर्क दे दे के डिले करते रहते हैं, वो मत करें, क्योंकि समय विकट है, आने वाला समय और भी विकट है। इसके बारे में बहुत बार कह चुका हूं, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे लिख के भेज दिया था कि बेटा बहुत भयानक टाइम आ रहा है, तो भयानक टाइम लगभग दस्तक दे रहा है। आगे आने वाले समय में आप देखिएगा अन्न का क्या हाल होगा, पानी के लिए क्या कुछ होने वाला है। जो वर्ल्ड वॉर की बातें थी, जो सिविल वॉर की बातें थी, जो क्राइम की बातें थी, जो भुखमरी की बातें थी, जो महामारियों की बातें थी, जो नेचुरल क्लैमिटीज की बातें थी, वो सब हमारे सामने धीरे धीरे आता जा रहा है। तो एक ही तरीका है बचने का, क्योंकि फिर आपको मौत का भय नहीं रहेगा, क्योंकि आप अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। आपने इतना तप कर लिया, इतना जप कर लिया, इतना नाम जप लिया कि आपको उसके नाम का सहारा मिल जाएगा, उसके नाम की छतरी मिल जाएगी, उसके नाम की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा, कोई डर ही नहीं रहेगा। तो अगर आप बेफिक्र होना चाहते हैं, एक तो अगर आपने पीछे कुछ अच्छा बोया था जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से जुड़े और ये बात आपकी पकड़ में आई और आप लग गए जपने। बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, प्रीचर्स हैं, लगे हुए हैं, लेकिन ये बड़ा जरूरी, करें क्या, ये बहुत जरूरी है। मैं एक एक्टर राइटर डायरेक्टर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे होता था कि हमने करना क्या है, ये बताइए किया क्या जाए। तो करना यही है, गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा, सुने दुख पाप का ना, सुने 68 का स्नान, सुने तरत अवल आकाश, सुने जोग जोग तन पीर। ये वीडियो मैंने डाला हुआ है चार पौड़ियों के बारे में, पौड़ियां स्टेप्स, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने उस मालिक तक पहुंचना है। तो इन एपिसोड्स का रब भगवान से मेरी बातें, कोई और मकसद नहीं है कि मैं कोई महान हूं, कोई विशेष आत्मा हूं, नहीं, मैं भी हमारे पंजाबी में कहते हैं रस्ते का पांधी हूं, यात्री हूं, सह यात्री हूं, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बीच में, कोई बहुत पीछे, कोई बहुत आगे है, बस ऐसा ही है, लेकिन सब यात्री हैं। उसका रूप होना चाहते हैं, जीते जी मुक्त होना चाहते हैं, ये मनोकामना है, ठीक है। तो आप लोग भी शुरू करें, रास्ता यही है और अल्टीमेट है, गुरु नानक देव जी का गाडीरा, हाईवे टू सॉल्वेशन। और ये तरीके जो मैंने आपको बताया, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ये करना शुरू करें। आलस मत करें, आलस यानी नकारात्मक शक्तियां और आपके जो बुरे कर्म हैं, जो पाप कर्म आपने इकट्ठे किए, जो मैल हमारी आत्मा की मटकी में हमने इकट्ठी कर रखी है जन्मों जन्मों से, वो आपको जपने नहीं देगी, आपको विचलित करेगी, व्याकुल करेगी, आपका ध्यान भटकाएगी, बहुत सारे विचार देगी, बेचैनी रखेगी, चिंता में उलझाए रखेगी, और ऐसे विचार देगी कि इससे क्या होगा। तो मैं कहता हूं हमारे प्रमाण देखो, हमारी इतनी सारी फिल्में हमने डाल रखी है, गुरबाणी देखो तक पार्ट वन पार्ट टू, फिर हमने छोटी छोटी क्लिप्स बना के डाल दिए कि लोगों के पास टाइम नहीं है लंबा वीडियो देख के, ज्यादातर लोग भयभीत हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो छोटी छोटी क्लिप्स डाली हैं, सत्संग की छोटी छोटी क्लिप्स डाली हैं कि इनको सुन लो भाई, तेरे पास 5-7 मिनट तो हैं, 3 मिनट तो हैं, इतना निकाल और सुन। तो उससे हो सकता है कि लोगों का जीवन बदले, आपके जीवन में बदलाव आए, बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आया है, चमत्कार हुए हैं, उनका कायाकल्प हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो भी ये करेगा, ईश्वर के नाम को जपेगा, अपनी आवाज़ को सुनेगा, रात को रिपीट पर लगा के सोएगा, गुरुद्वारे मंदिर में जाके नाक रगड़ के माफिया मांगेगा, धन्यवाद करेगा, सेवा करेगा, पुण्यदान करेगा, निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आना ही आना, उसका कायाकल्प होना ही होना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी, यही मकसद और कोई मकसद नहीं है। मैं महापुण्य काकदार बनना चाहता हूं और उसका तरीका यही है, महापुण्य ऐसे ही मिलेगा, किसी और को प्रेरित करके, समझा के, उदाहरण देके, प्रमाण देके, ईश्वर के नाम से अगर आप जोड़ देते हैं
तो आप महापुण्य के हकदार हो जाते हैं। तो आप लोग भी और लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया करें, अपने दोस्तों मित्रों को रिश्तेदारों को, ताकि आप लोग भी महापुण्य के हकदार हो जाएं। ईश्वर हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन रंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत भक्त, देवी देवता, अवतार, पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहब। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।